Hi guys, I am Adnan and you are watching Tech with Engineer channel. Let's move on with an intro. Video शुरू करने से पहले please मेरे channel को subscribe कर दो, क्योंकि subscribe करना बिल्कुल भी free है. मैं आज आपको Redmi के नए स्मार्टफोन Note 10 और Note 10 Pro के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि Xiaomi के CEO मनु कुमार जैन ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि ये मोबाइल नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में लॉन्च होने वाला है। मैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन जो कि रूमर से आए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की बात करें तो ये मोबाइल फोन में हमें 732G स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर मिलने वाला है और Note 10 Pro में 750G 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। अगर इस मोबाइल फ़ोन के रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 6GB और 8GB की रैम देखने को मिल सकती है, और स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 64GB से लेकर 128GB तक का स्टोरेज वेरिएंट मिल सकता है। अगर कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि Note 10 Pro में आने वाला है, और 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि Note 10 में आने वाला है। अब अगर बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5050mAh या अराउंड 6000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि अराउंड 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगी। अब अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये मोबाइल हमें 6.7 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाले। अगर प्राइसिंग की बात करें तो Note 10 Pro अराउंड 20,000 रुपीज़ के आसपास आएगा और Note 10 अराउंड 15,000 रुपीज़ के आसपास आएगा। ये था कंप्लीट Xiaomi के नए स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro और Note 10 के बारे में जो कि नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में रिलीज होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं उस पर नई वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। मैं सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज़ जाके उसे फॉलो करो। थैंक यू।